अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैंने टोरंटो क्यों छोड़ा उस वक्त में जब तमाम लोग टोरंटो जाना चाहते हैं, कनाडा आके टोरंटो में रहना चाहते हैं, वो कौन से वजूहात हैं कि मुझे टोरंटो छोड़ना पड़ा, या उन वजूहात किन वजूहात की वजह से मैंने ये स्टेप लिया और अब मैं इस वक्त कहाँ हूँ। आज के इस व्लॉग में आपको यही बताऊँगा और बहुत ज़्यादा देर से व्लॉग बनाने के लिए माजरत। तो बात शुरू करते हैं। सबसे पहले बताऊंगा कि मैं टोरंटो पहुंचा कैसे। 2019 के अंदर मैं जब कनाडा पहुंचा, मैं मॉन्ट्रियल कुछ अरसा रहने के बाद सीधा टोरंटो आया और जून 2019 के अंदर मैंने टोरंटो में लैंड कर चुका था। उस वक्त शुरू के अंदर बड़ी एक्साइटमेंट थी और ऑफ कोर्स टोरंटो जैसा एक बड़ा सिटी है, वर्सटाइल सिटी है, एक इतना एनर्जेटिक सिटी है, इधर बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें करने की हमा वक्त मौजूद रहती हैं। ऑफ कोर्स उस शहर में जाने की खुशी किसको नहीं होगी, और आज भी मैं टोरंटो के उन तमाम चीज़ों को मिस करता हूँ। टोरंटो एक वंडरफुल सिटी है, हाँ, आपको एक दफ़ा वहाँ जाके ज़रूर देखना चाहिए। टोरंटो में रहने के बाद मैंने मुख्तलिफ किस्म के वहाँ पे काम किए, अपना बिजनेस को स्टार्टअप लिया, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को वहाँ पे एक्सप्लोर किया, अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट की। व्लॉगिंग का सबसे पहला मैंने व्लॉग अपना टोरंटो से बनाया था। Today is my last working day. I'm going to Mississauga, from Toronto to Mississauga. Every day it took me 2 hours. And today is my last working day. And इसके बाद एक वो टाइम भी आ गया जब मेरे बच्चे यहाँ पे आए, और मैं वो लम्हा, वो बात कभी भी जिंदगी में नहीं भूल सकता जब मैं अपने बच्चों को रिसीव करने टोरंटो एयरपोर्ट के ऊपर गया था। तो आखिरकार वो दिन आ ही गया। 9 बज रहे हैं, 12 बजे इंशाल्लाह फ्लाइट आ रही है, तो उस हिसाब से मैं वहाँ पे पहुँचाऊँगा। बच्चों के साथ ज़िंदगी बहुत ज़बरदस्त और बहुत एक्साइटेड गुजर रही थी, और फिर एक और खुशी आई, और वो ये कि मेरा छोटा भाई सऊद, वो आके हमें मिला और वो भी हमारे साथ ही वहाँ आके रहने लगा। तो हर एक चीज़ को हम बड़े मुनासिब तरीके से टोरंटो के अंदर हम इंजॉय कर रहे थे, और आज भी उन तमाम लम्हात को जो मैंने अपने बच्चों के साथ टोरंटो में गुजारे हैं, उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम बातों को मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। कि हर एक मखसूस वक्त के बाद कहीं ना कहीं हमारा जाना लिखा हुआ होता है, तो फिर आखिरकार वो वक्त आ गया। सबसे पहले मैं आपको उन पॉइंट्स के ऊपर बताऊंगा कि हम वहाँ पे कहाँ रह रहे थे। हम वहाँ पे एक बेडरूम के फ्लैट में रह रहे थे, और इसके बाद जब हमारी फैमिली बड़ी हुई पिछले साल, अल्लाह मियाँ ने हमें एक छोटी सी मुन्नी भी दी, जिसका भी आपको मैंने तारुफ नहीं करवाया, तो हम फैमिली मेम्बर्स बढ़ गए, तो उस वक्त हमारी मजबूरी बन रही थी कि हम एक स्टेप ऊपर की तरफ जाएँ, हम अब किसी घर की तरफ जाएँ। अब मैं आपसे बात करूंगा उन कुछ रीजंस की जिसकी वजह से मुझे टोरंटो छोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से मैंने ये अच्छा, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने आगे ज़बरदस्ती छुड़वा दिया, ऐसी बात नहीं है। शायद अगर आपको मेरी बात से ये तासुर मिल रहा हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। चूंकि हमारी फैमिली का साइज़ बढ़ गया था, तो हमने सोचा कि अब वहाँ पर एक किसी घर के अंदर मूव हुआ जाए। नंबर वन रीज़न टोरंटो के अंदर इस वक्त कॉस्ट ऑफ लिविंग, वो मैं हूँ या कोई भी है, उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। रेंटल्स हों या आपने घर खरीदने हों, वो आपकी इस्तेदाद से, आपकी लिमिट से बाहर निकल चुके हैं। वेरी हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ना, एक मेन रीज़न थी कि जिसकी वजह से मैंने सोचा कि यार अगर मुझे $2,500-3,000 किराया देना ही है टोरंटो में, वो तो एक बेडरूम का, सिंगल बेडरूम का इस वक्त $2,500-2,700 किराया है, तो क्यों ना टोरंटो से बाहर कहीं निकला जाए जहाँ पे इस सेम किराए के अंदर मैं तकरीबन पूरा घर ही किराए पे ले सकता हूँ।
तो दैट वाज वन ऑफ द रीज़न, ये एक वजूहात में से एक मेन वजह थी जिसकी वजह से मैंने फैसला किया कि टोरंटो को छोड़ा जाए। दूसरी सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये थी कि वैसे तो ये पूरे कनाडा का मसला है, लेकिन टोरंटो के स्कूलों में ख़ास तौर पे हाई स्कूल्स के अंदर ये ड्रग्स और इन तरह के मामला जो है ना, उनकी रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। हाई स्कूल्स के अंदर ड्रग्स की इतनी ख़तरनाक सूरत हाल है कि बस अल्लाह ही बचाए तो बंदा बचता है और बच्चा भी बचता है। तो वैसे ही ओवरऑल कनाडा में भी ये सूरत हाल ठीक नहीं, आपको पता है यहाँ पे तो सारा वीट वगैरह सब कुछ लीगल है, आप किसी भी दुकान से किसी भी शॉप से जो उनकी अथोराइज यहाँ पे खुली हुई है आप ओपन जाके वहाँ पे ख़रीद सकते हैं, पर वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है। तो दैट वाज वन ऑफ द रीज़न हाई स्कूल्स का जो एटमॉस्फेयर था दैट वाज वेरी अलार्मिंग, तो वो एक मेन रीज़न थी कि मैंने सोचा कि इस वजह से ना कम अज़ कम इस इलाके से फ़िलहाल यहाँ से निकला जाए। तीसरे नंबर पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, टोरंटो का क्राइम रेट इस वक्त 2023-2024 में बहुत ऊपर जा चुका है। वुड यू बिलीव कि हर दूसरे दिन खबर आ रही होती है कि कभी टीटीसी की बस के अंदर किसी ने चाकू से किसी पर हमला कर दिया, कभी मेट्रो स्टेशन के अंदर किसी ने चाकू से किसी के ऊपर हमला कर दिया, कभी गन फायर हो रहे हैं, लोग मर्डर हो रहे हैं। बिल्कुल अगर आप इस वक्त मेरा ये व्लॉग पाकिस्तान या इंडिया या ऐसे किसी इलाके से देख रहे हैं तो हम लोग भी जब वहाँ पर होते तो हमारे जहन में यही होता था कि यार ये ना इस तरफ तो बिल्कुल सब कुछ ओके है, बहुत बेहतर है लेकिन सब कुछ ओके नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ इतना सफ़र करूँगा, ये एम्बुलेंस आना जाना ये लगा ही रहता है। और इसी से मैं रिलेट करूँगा अपने नेक्स्ट पॉइंट को, बहुत ज़्यादा नॉइजी है, बहुत ज़्यादा हर वक्त एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड या पुलिस, कभी एम्बुलेंस आ रही है कभी फायर ब्रिगेड है, कभी पुलिस का किसी जगह पे कोई है, कभी पुलिस ने कहीं पे किसी जगह से किसी वक्त पे अचानक गाड़ियाँ खड़ी करके किसी वक्त चेकिंग शुरू, हर वक्त ये चलता ही रहता है। तो आपको मेंटली तौर पे हर वक्त अपने आप को उस टाँटा की आवाज़ के साथ थोड़ा सा फेमिलियर कर लेना चाहिए। एक और रीज़न जो टोरंटो छोड़ने की मेरे हिसाब में जिसको मैं काउंट करता हूँ, जो कि नए आने वालों के लिए तो खास तौर पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में भी हो सकती है, जो टोरंटो के पुराने रहने वाले हैं को भी बहुत ज्यादा तंग करती है, वो है यहाँ की ट्रैफिक। टोरंटो की ट्रैफिक, आप मेंटली तौर पे तैयार हो जाएं, 12-1 बजे भी रात को जाएंगे ना आपको ट्रैफिक मिलेगी, आप दिन के किसी वक्त भी किसी भी टाइम में चले जाएं। हालांकि इस वक्त जो 401 जो इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रही है, 401 जो स्ट्रीट है इसकी 4-5 सड़कें, इसकी बल्कि 8 सड़कें कुछ जगहों के ऊपर, सम सर्टेन पॉइंट्स के ऊपर 8 जाने के लिए और 8 आने के लिए, उसके बावजूद यहाँ पे ट्रैफिक जैम होती है। तो अब आप सोचें आप 404 ले लें, आप DVP ले लें, DVP साउथ, DVP नॉर्थ, आप गार्डनर ले लें, आप यू नेम इट 427 ले लें, यू नेम इट, आप किसी भी उसका नाम लें सवाय 407 के जिसके ऊपर जाने के लिए आपको टोल देना पड़ता है आपको, और वो टोरंटो से बहुत बाहर जाके आती है, आपको टोरंटो की तमाम सड़कें जो हैं वो बिजी ही मिलेंगी। दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द कंसर्न। ये वो तमाम छोटी छोटी वजूहात थी जिसकी वजह से मैंने सोचा कि भाई अब यहाँ से कूच कर देना चाहिए। आज हमारा थॉन के बीच में आखिरी दिन है, और कितने साल गुजारे, 2 साल आप लोगों ने गुजारा है यहाँ पे, और देखते हैं कि वहाँ पे क्या बनता है। मैं 12 साल के रहा था, 14 साल का निकल रहा, 14 साल का होके जा। तो इस वक्त आप देख सकते हैं पूरा सामान से भरी पड़ी है कहानी, इस तरह का एक चक्कर पहले भी लगा चुका हूँ, कुछ फर्नीचर सेल कर चुका हूँ और कुछ अब यहाँ पर देखते हैं। से हेलो, वेयर आर यू गोइंग। तो यस, अब नेक्स्ट आपके जहन में यही बात आ रही होगी कि भैया अगर यहाँ से चले गए हो तो अब गए कहाँ पे हो जी, तो हम हैं इस वक्त मौजूद कनाडा के कैपिटल ओटावा में। ईसा फीडबैक बहुत, मैं क्या कह रहा, खूबसूरत और बड़ा भी है। अच्छा चलो,
अभी हम यहाँ पे रिसेंटली मूव हुए हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कंपैरिजन बना बता दूँ, यहाँ पे स्कूल्स भी मुझे पहले की नस्बत ज़रा ज़्यादा मुनासिब लग रहे हैं। नंबर दो, सबसे बड़ी बात, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है। 2,500 to 2,700 पर मंथ टोरंटो में वन बेडरूम फ्लैट का किराया इस वक्त। तो यहाँ मैं इस थ्री बेडरूम हाउस का रेंटल जो है वो $2,400 पे कर रहा हूँ। ऑफकोर्स यूटिलिटीज एक्स्ट्रा है, लेकिन स्टिल इट वर्थ इट। तो इस जगह के ऊपर बैकयार्ड भी है, फिनिश्ड बेसमेंट भी है, यहाँ पे इस वक्त मैं आपसे बैठा बात भी कर रहा हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा ऑफिस भी मैंने बनाया हुआ है, और बाकी और बहुत सारी फैसिलिटीज करीब करीब हैं। शहर की बात की जाए तो अभी आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पे सर्दी थोड़ा ज़्यादा पड़ती है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर इसके हवाले से मजीद मेरे जो भी एक्सपीरियंसेस होंगे आपके साथ उनको ज़रूर शेयर करता चला जाऊँगा। आज है 31 जनवरी 2023 और हम हैं इस वक्त ऑलमोस्ट 12 बजे के करीब। तो आपको हैप्पी न्यू ईयर 2024 भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और आने वाले साल में कोशिश करूंगा कि आपका और मेरा ये रिश्ता थोड़ा शिद्दत से बना रहे। अपना दोस्तों और रिश्तेदारों सबका बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे बहुत जल्द दूसरे व्लॉग में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।